नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोरोना की तीसरी लहर को काफी करीब बताकर बड़ी हलचल मचा दी है। एनआईजीएम के एक्सपर्ट पैनल ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर के आखिर तक इसका पीक आ सकता है। साथ ही चेतावनी दी है कि बच्चों में केस बढ़ने पर पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर साबित होगा। वेरिएंट्स को मॉनिटर करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को हमें लगातार करते रहना पड़ेगा ताकि स्टेट वाइज और एरिया वाइज हम वेरिएंट्स ड्रीवन संक्रमण ना हो, अगर है भी तो उसको हम कंटेंट कर सकें। इसके अलावा मास टेस्टिंग और रैंडम टेस्टिंग हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा ताकि पॉजिटिविटी रेट को हम ठीक तरीके से मॉनिटर कर सकें, और इसके साथ ही हमें ट्रेंड हेल्थ केयर असिस्टेंट की संख्या बढ़ानी होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बनाई गई एनआईडीएम की समिति ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि अगर बच्चों में इन्फेक्शन के मामले बढ़े तो फिर देश का पीडियाट्रिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर साबित हो सकता है। देश में डॉक्टर स्टाफ, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस से लेकर तमाम तरह के उपकरणों की कमी है। एक्सपर्ट पैनल का सुझाव है कि बच्चों की वैक्सीन आते ही सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए जिन पर कोमोर्बिडिटीज की वजह से इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। इसके साथ ही पैनल का कहना है कि बच्चों के वार्ड को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि बीमारी होने पर उनके माता पिता भी साथ में रह सकें। आज तक ब्यूरो।